हम लोग अभी गिफ्ट के दुकान में आप देख सकते हैं, तो हम लोग और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियोग्राफी कर रहे हैं आप सभी सारे कितने फ्रेंड हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम इन दिस माय न्यू वीडियोस। तो दोस्तों, आज हम इस ब्लॉग में आपको प्रयागराज का सबसे बेहतरीन पार्क भरद्वाज पार्क में लेके चलेंगे, जहाँ पे आज हम अपने फ्रेंड्स का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसी दौरान मैं आपको उस पार्क की खूबसूरती को दिखाऊंगा। पार्क में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग फिर मिलते हैं। गाइस, हम लोग अभी गिफ्ट के दुकान में आप देख सकते हैं, तो हम लोगों का जो फ्रेंड्स का बर्थडे उसके लिए गिफ्ट लेने आया हूँ, और हम साथ में देखिए अभिषेक भैया है, और ये भी साथ में हम लोग गिफ्ट लेने के लिए, और देखिए यहाँ पर मेरा फ्रेंड दुर्गेश। तो हम लोग अभी यहाँ से गिफ्ट पैक करवा के फिर वहाँ पर मिलेंगे, तो चलते हैं हम लोग फिर पार्क में, जहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं। गाइस, हम लोग अभी पार्क के बाहर पहुँच चुके हैं, तो देख सकते हैं अभी हम लोग जाएंगे पार्क के अंदर। भैया लोग टिकट ले रहे हैं यहाँ से, तो हम लोग फिर अभी पार्क के अंदर चलेंगे। तो हम लोग पार्क के अंदर आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं पार्क के अंदर का कितना अच्छा यहाँ पे वाटरफॉल लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी कुछ फ्रेंड्स लोग वहाँ पे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो देख सकते हैं अब यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे वाटरफॉल। तो भाई वेट करो, देखो मैं अभी बर्थडे बॉय से मिलाता हूँ। ये मेरा बर्थडे बॉय है, हम लोग अभी बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। सब कॉलेज भाई, हम लोग सब लोग फ्रेंड हैं, देख सकते हैं हम लोग मिल रहे हैं। गाइज, आप लोग देख रहे थे हम लोग के फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले आप चलिए हम लोग चलेंगे अभी आपको कुछ पार्क वार्क का दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पार्क में हम लोग जा रहे हैं। ये हमारे मनीष भैया हैं, हम मेरे क्लासमेट के हैं, और मैं नहीं बता सकता हूँ कि ये कितने अच्छे कवि हैं, कितने अच्छे स्पीकर हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पार्क में बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। यह प्रयागराज का एक बेहतरीन सा पार्क है, भरद्वाज पार्क। हम लोग अभी बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो मैं आपको अभी चेक करके दिखाता हूँ। तो गाइज, हम लोग अभी भरद्वाज पार्क के बारे में ये कुछ बताएंगे, तो बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं मल्टी हूँ। दरअसल ये भरद्वाज पार्क जो है वो मुनि भरद्वाज के नाम पे बना हुआ था, जो कि जब सतयुग चल रहा था उसमें भगवान श्री राम जब वन गमन व्रत को धारण किया जब उन्होंने, तब वो जब रास्ते में इसी आश्रम में, यहाँ पे एक आश्रम है पास ही में, उसी आश्रम में ऋषि भरद्वाज जी से मिलने आए थे, और तभी से ये आश्रम यहाँ पे बनवाया गया भरद्वाज आश्रम, और यहाँ से होते हुए वो अपने वन गमन आगे रहा, उन्होंने अपना सफर तय किया था, पंचवटी गए, जहाँ भी गए, श्रीलंका गए, उसके बाद। यस गाइस, तो आपने आपने जो भी हिस्ट्री देखा है इनके बारे में, ये महर्षि भरद्वाज के नाम पे ये पार्क का नेम पड़ा है, और देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बैकग्राउंड अच्छी आ रही है यहाँ से, और आप देख सकते हैं इसकी वॉल पे बैकग्राउंड में देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी सी पिक्चर्स बनी हुई एनिमल्स की। और मैं बता दूँ, यहाँ के जितने भी पार्क्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। बस फाइनली आज हम सोचा, मैंने बस जा रहा हूँ बर्थडे सेलिब्रेट करने, तो आपको कुछ पार्क का दिखा दूँ, और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ये बना हुआ है मूर्ति, ये भगवान शिव की मूर्ति है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितनी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। गाइस, देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में कितनी अच्छी अच्छी इमेज बनी हुई है, यहाँ पे हिरण का है, यहाँ पे बैकग्राउंड है यहाँ पे, और ये महर्षि जी का बैकग्राउंड है, और देख सकते हैं ये पार्क बहुत ही अच्छा है। ये देख सकते हैं बरगद का पेड़ है यहाँ पे, बहुत अच्छा बना हुआ है, और ये पार्क में लगभग प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं ताकि यहाँ की खूबसूरती बनी रहे। यहाँ पे बरगद का पेड़ है यहाँ पे, तो और ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं वॉल्स वगैरह पे अच्छी ड्राइंग्स वगैरह बनाई जाती है ताकि यहाँ की सुंदरता बने रहे। और मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखाता हूँ अभी यहाँ पे। तो गाइस, मैं यहाँ से देख सकता हूँ यहाँ पे रोड वगैरह है साइड में यहाँ से, और हम लोग यहाँ पे वीडियोस को शूट कर रहे हैं, और ये पार्क वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे झूला वगैरह है। गाइस, मैं अभी पार्क में घूमना था, यहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स मिले हैं, तो देख सकते हैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे थे यहाँ पे, तो हम लोग अभी वही ब्लॉग शूट कर रहे हैं, तो सभी लोग इनको हाय कर दिए भैया सभी। हेलो दोस्तों, तो हम ये लोग भी हमारे वीडियोस कब देखेंगे, तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी सपोर्ट करिए, और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर, सपोर्ट कीजिए बिल्कुल। तो चलते हैं हम लोग, थैंक यू भैया। तो बाय।
चलिए हम लोग मिलते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग अभी बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। ठीक है ठीक है, देख सकते हैं हम लोग सभी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हो गए हैं। अरे मारा जाएगा। यहाँ पे भाई केक वेक लगाओ यार इसको, कोई कोई ये धोखा है। ये हम लोग अभी देखिए आए थे और इसको देखिए हमें साइकिलिंग कर रहे हैं, ये बच्चे वाला काम कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और हम लोग अभी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और सब में के पास केक लगा हुआ था सब। और ये भैया आपका नाम क्या हुआ भैया? सौरभ वर्मा। सौरभ वर्मा, हम लोग अभी सब हम लोग सेम कॉलेज के और हम लोग अभी ब्लॉग शूट करने आए थे यहाँ पे और बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके हैं। अभी मैं आपको कुछ और फ्रेंड्स वगैरह से मिलाऊंगा, वेट करिए थोड़ा। गाइस मिल सकते हैं आप बर्थडे बॉय से और हम लोग अभी बर्थडे सेलिब्रेट कर लिए। एक्चुअली सॉरी फॉर दैट कि हम मैं उसमें केक नहीं लगा सकता था। तो देख सकते हैं अभी हम लोग सभी बर्थडे सेलिब्रेट, अभी हम लोगों का फिर आगे का प्रोसेस जारी रहेगा। हम लोग अभी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक चल रहा है हम लोगों का और समोसा वगैरह खा लिए और यहाँ पे सभी लोग हैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक। और अब देख सकते हैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला और समोसा चल रहा है अभी सबका। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं, यहाँ पे सब सारे कितने फ्रेंड है तो हम लोग कर लिए। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग बर्थडे को सेलिब्रेट कर लिए। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे पंडित पांडे, हम लोग भी साथ में आए थे, हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे और ये देखिए बर्थडे बॉय यहाँ पे और आदर्श मिश्रा, तो देख सकते हैं बड़े भैया। तो गाइस हम लोग अभी देख सकते हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, हम लोग अभी देख सकते हैं यहाँ पे पार्क में आपको कुछ फाउंटेन की तरह है, फाउंटेन वगैरह यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं तो गाइस हम लोग अब यहाँ से निकलने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे और बैकग्राउंड में ये हमारे सारे फ्रेंड्स लोग हैं, हम लोग अभी सब मिलके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड में थी और यहाँ पे कुछ बैठने वगैरह का अच्छा बना हुआ है बट। और हम लोग यहाँ से भी जस्ट निकलेंगे और यहाँ पे कुछ बैठने वगैरह के लिए देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सीटें रखी हुई है। अब हम लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पे वाटरफॉल है भाई, ये उसको बोला क्या जाता है इसको पता नहीं है। अगर आपको यह ब्लॉग अच्छी लगी तो इस ब्लॉग को जरूर लाइक करिएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे बुड्ढा है, यहाँ पे भी फाउंटेन है यहाँ पे, लेकिन ये अभी चल नहीं रही है दादाजी। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये चारों साइड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फाउंटेन यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन कुछ नहीं चल रही यहाँ पे। और यहाँ पे गार्डन वगैरह है और देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पार्क में बहुत सारे लोग हैं। अभी देखिए मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे, धूप वगैरह भी नहीं है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पीछे गार्डन वगैरह अच्छे से, और यहाँ पे फाउंटेन चल रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फाउंटेन वगैरह चल रही है और यहाँ पे फाउंटेन है, सब कुछ बिल्कुल। देख सकते हैं कितने सारे लोग बैठे हुए यहाँ पे। गाइस फाइनली मैंने ब्लॉग को शूट कर लिया। गाइस अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और हम लोगों को सपोर्ट जरूर से। तो आप लोग बोल दीजिए, हम लोग अच्छे तरीके से आपको वीडियो को जरूर दिखाऊंगा और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आगे मिलेगी आपको, अच्छे अच्छे पार्क वगैरह की मैं वीडियोज़ दिखाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय।